कोरोना के संक्रमण के चलते प्रदेश सहित देश भर में इस वक्त लॉकडाउन जारी है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के अपने अपने गृह राज्यों में लौटने का सिलसिला जारी है। तो वहीं राजस्थान में भी बड़ी संख्या में मजदूरों की घर वापसी हो रही है, जिसमें से काफी लोगों में कोरोना की पुष्टि भी हुई है। इसी के चलते कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए प्रवासी लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा रहा है। उन लोगों पर नजर बनाए रखने के लिए सरकार ने COVID-19 क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम भी लॉन्च किया है। जी हाँ, इस अलर्ट सिस्टम के अनुसार जो भी किसी भी क्वारंटीन कहे गए व्यक्ति के मूवमेंट और आसपास के व्यक्ति और साथ ही में प्रशासन को अलर्ट मैसेज पहुंचा देगा। सूचना तथा प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर के उपनियंत्रक रितेश कुमार शर्मा ने इस पर बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासियों ने पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवाया है और अब उन्हें इस सिस्टम से जोड़ा गया है। गज दूरी मास्क जरूरी का जो कोरोना संकट काल है, इसमें लोग कैसे सुरक्षित रहें और संक्रमण से बचें, इसके लिए सरकार अनेक स्तर पर प्रयास कर रही है। और अब जब विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था सरकार कर रही है और विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूर राज्य में विभिन्न स्थानों पर आ रहे हैं, अगर जयपुर की बात करें तो लगभग 38,000 प्रवासी मजदूरों द्वारा जयपुर में आने के लिए ई मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। ये सभी मजदूर जब जयपुर आ रहे हैं और जयपुर के गांव-गांव में जाएंगे तो इन्हें आवश्यक रूप से 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड का पालन करना होगा। क्वारंटाइन इनिशियली इनको जांच करने के बाद आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। अगर जो लोग ठीक हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा और जिनमें ILI सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल को